बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग सोचते हैं कि फीमेल का ही एज सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है आईवीएफ के सक्सेस के लिए, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो एक एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों के 50-50% पार्ट्स होते हैं। तो अगर फीमेल का 50% पार्ट जा रहा है तो मेल का भी 50% पार्ट जा रहा है। तो मिसकैरेज हो या सक्सेस हो, सबके लिए मेल के भी हॉर्मोन्स और मेल के भी शुक्राणु रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑब्वियसली मेल की भी एज होती है, जैसे आपने फीमेल्स के बारे में सुना होगा कि उनके मेनोपॉज होता है, वैसे मेल्स का भी एंड्रोपॉज होता है। मेल की फर्टिलिटी इस तरह की चीज़ है कि मेल की फर्टिलिटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया जाता है, लोग ज़्यादा उस चीज़ के बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते हैं, पर इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे स्टडीज़ हैं कि मेल के भी एज होने के बाद, यूजुअली 45 से 50 का एज होता है जिसके बाद कि मेल के भी फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लगती है, वो भी एंड्रोपॉज की तरफ जा सकते हैं और जो स्पर्म की क्वालिटी है वो भी डिटेरियट हो सकती है। तो इसलिए मेल्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक एज होने के पहले वो जल्दी से जल्दी बाप बन जाए, और नहीं तो एटलीस्ट अपना स्पर्म तो फ्रीज कर ही लें। हम रखें आपका ख्याल।